हेलो एवरीवन, अभी तक हम इलास्टिसिटी के तीन पार्ट देख चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने इलास्टिसिटी की स्टडी की, सेकंड पार्ट में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्टडी की, थर्ड पार्ट में हमने इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। अब फोर्थ पार्ट में हम इस टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थ सीमा और हुक्स लॉ यानी कि हुक का नियम। सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है। देखिए, इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में मैंने आपको रबड़ और स्प्रिंग इलास्टिक चीज़ों के एग्जांपल दिए थे, तो प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है? प्रत्यास्थ सीमा प्रतिबल की वो मैक्सिमम लिमिट होती है जहाँ तक अगर आप विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ सकती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर अपन ने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके बाद वस्तु अपनी अवस्था को चेंज कर लेती है और विरूपक बल हटाने पर वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो जहाँ तक वस्तु अपने इस गुण का पालन करती है, तनाव की वो सीमा, वो मैक्सिमम लिमिट जहाँ तक वस्तु इस गुण का पालन करती है, उसे प्रत्यास्थ सीमा कहा जाता है। अब प्रत्यास्थ सीमा से आगे क्या होगा? अगर आप प्रत्यास्थ सीमा से ज़्यादा बल लगा देते हैं या ज़्यादा प्रतिबल लगा देते हैं तो वस्तु अपने प्रत्यास्थ का गुण खो देती है। प्रत्यास्थ का गुण खोने का मतलब वस्तु वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में कभी नहीं आ पाती और स्थायी रूप से विकृत या डिस्टॉर्ट हो जाती है। जैसे इलास्टिक का एग्जांपल लें तो हम उसे कुछ लिमिट तक खींचते हैं तो इलास्टिक खींचता जाता है, फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप उस पर बल लगाना जारी रखते हैं तो इलास्टिक टूट जाता है और डिफॉर्म हो जाता है, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता। तो वो बिंदु जिससे ज़्यादा बल पर आपकी वस्तु टूट जाती है वो आपकी प्रत्यास्थ सीमा या इलास्टिक लिमिट कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हुक का नियम या हुक्स लॉ। हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रतिबल और विकृति के बीच में संबंध स्थापित किया। उन्होंने क्या बताया कि अगर आप प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु पर बल लगाते हो, यानी कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर मतलब सिर्फ उसी लिमिट तक बल लगाना है जिसमें बल हटाने पर वस्तु अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, उसी लिमिट तक आपको अपने बल का मान रखना है। तो हुक ने कहा कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न होने वाली विकृति के समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती, जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया था, अगर कोई दो वस्तुएं आपस में समानुपाती हैं तो जैसे जैसे एक की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, या फिर एक की वैल्यू कम होने के साथ में दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जाती है। तो हुक ने कहा कि किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु पर प्रत्यास्थ सीमा में बल लगाने पर उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, या शॉर्ट में कहूँ समझाने के लिए तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। कंडीशन क्या है? जो आप बल लगा रहे हैं वो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होना चाहिए, प्रत्यास्थ सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए तो लिखा जाता है प्रतिबल समानुपाती विकृति के। फिर आपको पहले भी बताया था ओम के नियम में समानुपाती का निशान हटाने के लिए आपको क्या करना है, समानुपाती की जगह बराबर का निशान लगा देना है। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी की ऐसी रखनी है, राइट हैंड साइड भी ऐसी की ऐसी रखनी है, लेकिन राइट हैंड साइड को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा प्रतिबल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू विकृति, या फिर प्रतिबल अपॉन विकृति की वैल्यू मुझे एक कॉन्स्टेंट मिलती है। इस कॉन्स्टेंट को ई लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में ई लिखा जाता है। यहाँ पर ई जो है वो एक कॉन्स्टेंट होता है जिसे इलास्टिसिटी कॉफिशियंट या प्रत्यास्थ गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है।